अंदर जितनी भी परेशानी आई सब उस निष्क्रियता की वजह से। सॉरी मैम, सॉरी हम लोगों ने आपकी कभी बात नहीं करी, आप हमेशा सही। क्या बकवास कर रहे हो आप? निशी चुनाव कैसे हो सकती है? जब भी इस तरह कुछ भी गड़बड़ हुआ दिया भाई थी। कोई बकवास नहीं करता, निशी का सही में चुनाव तो वो दिया को हमेशा फंसाते हैं। वो अपने काली शक्तियों का इस्तेमाल करके उन दिया को हर बार फंसाती थी। आपके घर में जितनी भी वो काली शक्तियाँ देखी थी वो सब निशी का ने किया था। और मैं भी हमेशा दिया के अगेंस्ट था। क्यों? क्योंकि मैं निशिकंदा के सम्मोहन में था, कर दिया था उसकी वो, इसलिए वो जो बोलती थी ना उसके पीछे पीछे करता था। और मैंने हर बार अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबकी हेल्प की, हम सबकी जान बचाई है उसने। दीदी हमारे घर में आज तक जो कुछ भी हुआ, जितनी भी परेशानी थी, आपने कभी देखा निशिकंदा से पहले वो परेशानी हमारे घर में हुई थी? इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ निशिकंदा, क्योंकि वो एक चुड़ैल है। और मैं हर बार बिल्कुल अपने पता नहीं, और दिया ने हर बार बिना अपने बारे में सोचकर सबकी जान बचाई, अपनी जान को खतरे में डाल कर। शुक्रिया दिया, मैं तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं करता, मैं कभी बहुत सा कवच नहीं पाता, और मैं आशीर्वाद भी नहीं लेकिन अब मैं तो बदल के सब भागना चाहता हूँ। पूजा रखते वहां तुम दोनों दोबारा फिर सबके साथ और सबके आशीर्वाद के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। हम घर पे पूजा रखते हैं, तुम दोनों मोक्ष दोबारा फिर सब लोगों के साथ सबके आशीर्वाद के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। पंडित जी को अभी बुला लेते हैं, अपने मंत्र से हवेली की तो बांधना है ताकि वो छोड़ी में वापस नहीं आए। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति मुखर्जी सुहागन चुड़ैल के सेट से, और आप देख रहे हैं मुझे TNTV पर। सीन ये चल रहा है इस वक्त कि अब तक तो सिर्फ मुझे पता था कि निशिकंदा चुड़ैल है, दिया और मोक्ष ने मुझे बताया था। तो उसके बाद रघुनाथ जी को, मतलब मोक्ष के पापा को पता चल जाता है, और अब मोक्ष और दिया आते हैं परिवार के बाकी के सभी सदस्यों को बताने के लिए कि निशिकंदा चुड़ैल है। तो ये सीन वो है कि सबका रिएक्शन क्या है। ऑब्वियसली बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन है कि चुड़ैल है, मतलब ये कैसे हो सकता है, कभी हमको पता ही नहीं चला। तो हाँ, छोटा सा प्यारा सा सीन है कि सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। जैसे होता है ना कि तकलीफ़ में फैमिली और भी ज़्यादा पास आ जाती है, तो वो वैसी वाली फीलिंग है इस सीन में कि तकलीफ़ में फैमिली और भी पास आ गई, एक दूसरे के साथ खड़ी है। और हाँ, स्वीट सा सीन है। ऑडियंस के लिए मैसेज ये है कि आप जितना सारा प्यार हमारे शो को दे रहे हैं, हम सभी किरदारों को दे रहे हैं, प्लीज़ वैसे ही देते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, आपके बिना तो हम वैसे भी कुछ नहीं है। हमारा शो देखते रहिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।